हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? मैं हूँ मोलिन। आज हम बनाएंगे खीमा पाव। तो उसके लिए लगेगा ये जो अदरक लहसुन, ये मिर्ची, ये देखो कितनी मस्त मिर्ची है, जैसे कि ऐसे ही खा जाऊँ कच्चा कच्चा। देखो कितनी फ्रेश और मस्त है, तो एकदम रापचिक मिर्ची है। और ऊपर से ये धनिया, धनिया को तो जैसे प्यार हो गया है मेरे से, और मुझे धनिया से प्यार, बहुत खुशबूदार है। और लगेगा ये अपना कांदा, ये 4 कांदा है मीडियम। और लगेगा, तो मैंने गैस ऑन किया, तो डालते हैं ये प्याज, तो फ्राई हो जाएगा। और लगेगा ये मालवनी मसाला जो घर पे बना है, ये है 2 बड़े चम्मच। और अपना हल्दी, हल्दी तो बहुत अच्छा है, पेट में कोई गड़बड़ नहीं होता है, इसके लिए हल्दी हमेशा यूज़ करना चाहिए। और ये है अपना गरम मसाला जो मैं पूरा डालने वाली हूँ, और लाल मिर्च पाउडर, जो इलायची, दालचीनी, लवंग, और ये चक्रफूल है तो, और ये एक बड़ी इलायची है, तो इसको मैं ये करके डालूँगी, क्या बोलते हैं उसको, दबा के डालूँगी मैश करके, मतलब ऐसे ये करके, तो इसका फ्लेवर ज़्यादा आएगा। पूरा डालने से इतना फ्लेवर नहीं आता है। और ये पूरा मैं अखा का डालूँगी इसमें पूरा। और ये भी जो है ना छोटा इलायची, वो भी मैं दबा के डालूँगी। ये देखो, तो हम ये प्याज को पिंक होने देते हैं। इसके बाद हम वो हरा मसाला थोड़ा क्रश करके इसमें डाल देंगे। देखो अभी अपना ये जो पिंक हो गया है कांदा, अब हम मैंने ऐसा एक कोसली क्रश किया है, तो अपना कांदा भी तैयार हो गया है, मस्त दिख रहा है, एकदम शाइनिंग, गुलाबी गुलाबी, इसके गाल एकदम गुलाबी हो गए हैं। तो हम अभी ये डालेंगे हरा मसाला जो पीसा था, ऐसे इसको भी ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, थोड़ा सा यहाँ वहाँ। डालेंगे ये मिर्ची पाउडर जो है, और ये हल्दी पाउडर। ये जो है अपना खीमा है, मटन मटन खीमा है, तो मैंने ज़्यादा चर्बी लिया है क्योंकि उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है और खाने में भी बहुत मज़ा आती है। तो इसको थोड़ा फ्राई करने के बाद अपन ये डाल देंगे। देखो कितना मस्त लग रहा है ना। थोड़ा सा भुनना चाहिए इसको। ये देखो, इसका अच्छा खुशबू भी आ रहा है, तो आप बनाओगे तो आपको भी अच्छा लगेगा ये स्टाइल से जो मैं बना रही हूँ। बनाते होंगे लेकिन थोड़ा
मेरा स्टाइल का भी बनाओ। अब डालो थोड़ा नमक इसमें, जितना आपको आपके टेस्ट के हिसाब से, और डालो ये मसाला जो मालवनी मसाला है, थोड़ा घुमा के इसमें डालेंगे थोड़ा पानी, थोड़ा ग्रेवी होता है, एकदम सूखा नहीं बना रही मैं, तो पाव के साथ अच्छा लगता है, ये बहुत मस्त लगता है। ना चर्बी डालेंगे ना तो फिर ज़्यादा तेल नहीं लगता है अपने को। अब उसको पकने देते हैं। चलो तो फिर देखते हैं अपना कीमा बन गया कि नहीं। ये देखो, स्लो गैस पे कम पकाया था, अब हम डालेंगे ये फ्राइड आलू इसमें। अभी इसको 2-4 मिनट तक आलू को पकने देते, इसमें मुरने देते तो आलू का टेस्ट आएगा इसमें अच्छे से। ये देखो अपना रेसिपी तैयार है। अब डालेंगे थोड़ा धनिया मारेंगे और डालेंगे ये आधा नींबू, इसमें टमाटर कुछ नहीं डाला है तो इसमें नींबू डालने का उसका बहुत अच्छा स्वाद आता है, वेरी गुड टेस्ट। तो आप ये डाल के देखो, आपको अच्छा लगा तो मुझे सब्सक्राइब करो और मैसेज करो, बना के देखो कैसे लगता है। चलो तो फिर अपना कीमा रेडी है, ये देखिए बहुत मस्त लगता है, वेरी टेस्टी। आप ये पाव के साथ खाओ, पाव प्याज कांदा मिर्ची जैसे आपको अच्छा लगा वैसे खाओ। ये देखो बहुत मस्त लगता है, खा के देखो फिर मुझे बोलो, मज़े ले लो। बाय, थैंक यू अपना टाइम देने के लिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, बाय।